हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ चुके हम लोग फिर से एक नया वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इंडोनेशिया सर्वर के न्यू इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद हमें ये सर्फबोर्ड की स्किन बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमें ये मेल का बंडल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है जो कि काफ़ी ओपी है और फ्री में भी मिल रहा है। और ये हमें 25 FFIM क्रिस्टल टोकन के बदले में मिल जाएगा और 8 टोकन के बदले में हमें ये फेस पेंट भी मिल जाएगा। और भी उसके बाद देख लीजिए, ये वेपन रॉयल कार्ड है, कैरेट है और गोल्ड है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये टोकन हमें मिलेगा कैसे। तो गाइज, अगर आप क्लास स्क्वाड नॉर्मल या सीएस रैंक खेलते हो तो आप लोगों को 2 पीस मिल जाएगा ये टोकन, और अगर लोन उल्फ खेलते हो तो आपको 1 पीस ही मिलेंगे, और अगर बीआर मोड भी खेलते हो तो आप लोगों को 2 पीस टोकन्स मिलेंगे मैच ख़त्म होने के बदले में। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये सब रिवार्ड्स भी हमें बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, एक क्राफ्टलैंड मोड खेलने के बदले में आपको 200 गोल्ड मिल जाएगा, 2 क्राफ्टलैंड खेलने के बदले में आपको ये गन का कैरेट मिल जाएगा, 3 खेलने के बदले में आपको 1 पीस वेपन रॉयल कार्ड मिल जाएगा, और 2 क्राफ्टलैंड मोड को सब्सक्राइब करने के बदले में आपको 100 गोल्ड मिल जाएगा, और 2 मोड को लाइक करने के बदले में आप लोगों को 100 यूनिवर्सल फ्रेगमेंट मिल जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें ये सर्फबोर्ड बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा। वैसे काफ़ी अच्छा सर्फबोर्ड है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका स्टार टोकन SSS पोल में रहेगा और आपका रैंक 1 से 20 के बीच में रहेगा तो आपको ये तीनों रिवार्ड्स मिलेंगे। जैसे कि देख लीजिए, इसमें सर्फबोर्ड की स्किन है, 2 पीस वेपन रॉयल कार्ड है और 3 पीस डायमंड रॉयल कार्ड। और उसके बाद अगर आपका स्टार पॉइंट SSS पोल में है लेकिन आपका रैंक 21 से 50 के बीच में है तो आपको सर्फबोर्ड, 2 पीस वेपन रॉयल कार्ड और 2 पीस डायमंड रॉयल कार्ड मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका स्टार पॉइंट SSS पोल में रहेगा और रैंक 1 से 20 रहेगा तो आपको सर्फबोर्ड की स्किन, 1 पीस वेपन रॉयल कार्ड और 1 पीस डायमंड रॉयल कार्ड मिलेगा। और ऐसे ही अगर आपका रैंक कम रहा तो आपको ये नीचे वाला रिवार्ड्स ही मिलेंगे। टॉप वाले रिवार्ड्स लेने के लिए आप लोगों का रैंक भी हाई होना चाहिए। और ये आप लोगों को आज 10:30 बजे मिलेंगे, 10:30 बजे रात को। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये रैंक हमें मिलेगा कैसे। तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप बीआर रैंक सोलो मोड खेलते हो और उस मैच में आपका रैंक 1 आता है, मतलब कि आप अगर बुया लाते हो तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपका रैंक 2 से 10 के बीच में आता है तो आपको 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और उसके बाद अगर डुओ खेलते हो, आप लोगों का रैंक 1 आता है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपका रैंक 2 से 5 के बीच में आता है तो आपको 4 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप लोग स्क्वाड खेल रहे हो और आप लोगों का रैंक 1 आता है तो आप लोगों को 10-10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपका रैंक 2 से 3 के बीच में आता है तो आप लोगों को 3 पॉइंट्स ही मिलेंगे, और उसके अलावा जो रैंक आएगा उसमें सिर्फ 1 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और अगर आप CS रैंक खेल रहे हो और अगर आपका टीम जीत जाता है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर हार जाते हो तो केवल 1 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो गाइज, रैंक तो बता दिया है कि हमें कैसे मिलता है, और उसके बाद स्टार टोकन्स आप लोगों को यहाँ का मिशन कम्प्लीट करने के बदले में मिल जाएगा। और उसके बाद गाइज, इनक्यूबेटर वाले सेक्शन में जो बंडल्स है, इसमें मेरे पास पूरे के पूरे 25 स्टोन कंप्लीट हो चुके हैं और 2 ब्लूप्रिंट। चलिए अब हम एक बंडल एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके गाइज, तो देख लीजिए, यहाँ पे यही बंडल हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद था तो ये बंडल हम यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे। सो फाइनली गाइज, जो बंडल हमको पसंद था वो बंडल हम ले लिए। बाकी आप लोग कौन बंडल निकाले हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, आज के स्टूडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।